बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं उत्तराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने का मामला पानीपत से आया है। पानीपत के अंदर आपको बता दें कि कबाड़ी गांव में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति और सार्वजनिक भवन बनाने का काम चल रहा था और बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ कश्यप समाज के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी बात को लेकर जब कुछ गांव वालों ने उनको रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने आपको बता दें कि दलितों को भी बुरी तरीके से पीटा और यहां तक बताया जा रहा है कि दो पुलिसकर्मी जब बचाव करने पहुंचे तो पुलिस के गंभीर चोटें आई हैं। आज इस मामले के अंदर बहुजन समाज के लोग आक्रोशित हुए और पानीपत के छोटे सचिवालय में पहुंचे। सचिवालय के बाहर बहुजन समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि यह पानीपत सचिवालय के बाहर की है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने से नाराज और 8 कार्यकर्ता जो है बहुजन समाज के उनके साथ मारपीट करने के मामले को लेकर बहुजन समाज ने काफी ज्यादा आक्रोश जताया। बहुजन समाज का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो सचिवालय के बाहर बैठे रहेंगे। इधर आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले के अंदर जितने भी आंदोलनकारी लोग थे उनसे बातचीत करके इस मामले में जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी का बताया जा रहा है कि पानीपत के कबाड़ी गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति और उनका भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले दिनों ही प्रशासन ने आपस में समझौता करवाकर दोनों समाज के बीच इस बात को तय किया था कि बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं और उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए। दलितों का आरोप यह है कि कश्यप समाज के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। जब इसका विरोध हमने किया तो उनको कई सारे लोगों ने मिलकर पीटा जिसमें 8 लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद बहुजन समाज के आक्रोशित लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस के द्वारा 2 अधिकारी पहुंचे, उनके साथ भी मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हम लोगों ने जब ये कोशिश की कि यहाँ पर हम लोग पुस्तकालय का निर्माण शुरू करें तो गांव के सरपंच ने वहाँ के कश्यप समाज के लोगों को इसके प्रति भड़का दिया और उन्होंने हमारे ऊपर मतलब उस समय भी हमला किया था, लेकिन इस हिसाब ने दोनों पक्षों को बिठाकर इस बात का समझौता करवाया था कि क्योंकि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और क्योंकि प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लाइब्रेरी के लिए पास हो चुका था तो ये जगह जो कि वो पुस्तकालय के लिए दे दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कल रात को हमारे तकरीबन 10-12 लड़कों के ऊपर ईंटों के साथ मतलब हमला किया गया और जिस तरह मोड़ दिए गए दो लोग बहुत ज्यादा घायल हैं। लगातार बहुजन समाज पर हो रहे हमलों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लॉकडाउन